this time. Only two times I will go third. Third and second time I was in this group. And after it, I travel alone. एक इंडिया का एक भारत का है, हिंदुस्तान वाले देख रहे हैं। एक पानी वाले भैया थे, उन्होंने आईफोन 14 ले रखा है और सिर्फ पानी बेच बेच के, मुझे अब पता नहीं वो तो रियलिटी हो ही जाने। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आईफोन 14 चला रहे हैं और यहाँ पे इतना तगड़ा धंधा चलता है क्या, कि मतलब 14 ले सकते हैं क्या? ये जो नया ये बना है, मतलब एक ये नया स्टेशन जो बन रहा है ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ऊपर के तरफ में बन रहा है ना, यहाँ पे कुछ था नहीं, उतार नहीं रहे, पूरा चढ़ाओ। दोस्तों हमें पतंग उड़ाना आता है, ये मैं सोचना है कि हम नूब हैं, बहुत पतंग बहुत उड़ाया मैंने बचपन में। तो दोस्तों हम लोग अभी हैं फिलहाल फोटोशूट पे और ये पीछे देख सकते हैं आप, अयोध्या में है वैसे ये, और इन भाई साहब ने बुलाया है मुझे। तो मैं यहाँ पे शूट वगैरह कर रहा हूँ अभी, वैसे तो मैंने अंकित को दे रखा है, अंकित शूट कर रहा है और मैं घूम रहा हूँ अभी अयोध्या। अयोध्या का मंदिर वगैरह भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ जा रहा हूँ। मंदिर क्या मतलब, मंदिर में जाने नहीं देंगे, लेकिन हाँ आसपास से और भी जो चीज़ें जो भी हो रही हैं या जो चीज़ बन रही हैं वो सब भी अभी आपको दिखाता हूँ। और देखिएगा पहले फ़ोटोशूट वगैरह हो जाए, और क्योंकि ये बिज़नेस है मेरा तो आना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, पहले तो ये काम कर लेते हैं, उसके बाद में और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं अभी आपको दिखाऊँगा। क्या गज़ब, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। ऐसे बाहर ही शूट करके फिर हम लोग निकल जाएंगे। पहले यहाँ पे स्टेशन नहीं था, अभी स्टेशन बना दिए हैं उस तरफ में, सामने पीछे की तरफ में बन रहा है, तो अच्छा है। यहाँ पे कोई को अगर यहीं पे उतरना है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से स्टेशन तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं सीधे। यहाँ का शूट डन हो गया है, अभी चलेंगे राम की पैड़ी और वहाँ पे करेंगे थोड़ा सा शूट वगैरह, उसके बाद में सीधा घर। और आपको जो खास खास चीज़ें दिखानी है जो यहाँ पे बन रही हैं फ़िलहाल वो दिखाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। और ये जो नया ये बना है, मतलब अभी एक ये नया स्टेशन जो बन रहा है ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ऊपर के तरफ में बन रहा है ना, यहाँ पे कुछ था नहीं पहले, झाल एकदम झाड़ी जैसा था, तो अच्छा नहीं लगता था, तो अभी बना दिए इसको भी, तो हाँ अच्छा लगता है। और यहाँ पे कुछ कुश्ती प्रोग्राम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। इंडिया का एक भारत का है, हिंदुस्तान वाले देख रहे हैं। ये सब लोग असली मिल रहे हैं क्या भाई? अभी एक पानी वाले भैया थे, उन्होंने आईफोन 14 ले रखा है और सिर्फ पानी बेच बेच के, मुझे अब पता नहीं वो तो रियलिटी हो ही जाने। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आईफोन 14 चला रहे हैं और यहाँ पे इतना तगड़ा धंधा चलता है क्या, कि मतलब 14 ले सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो मुझे भी करना पड़ेगा लग रहा है, अभी बीच में तो कभी ना कभी इधर थोड़ा घूमते हुए, और इधर पतंग उड़ा रहा है लड़का, इधर उड़ रहा है ये क्या, पता नहीं उड़ा रहे हो, लाओ हम करके दिखाएं, पकड़ो लाओ, पकड़ो गलत बार, उतार नहीं रहे, पूरा चढ़ाओ। अच्छा से आ जाते हैं, चरखी दिखाओ, चरखी उठा। दोस्तों हमें पतंग उड़ाना आता है, ये मैं सोचना है कि हम नूब हैं, बहुत पतंग बहुत उड़ाया मैंने बचपन में। और मेरे साथ का टीममेट उधर बैठा है उस तरफ, वो देखो। और इस तरफ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पानी की तरफ में, यहाँ फाउंटेन है ये सब।
इस तरफ में। और यहाँ पे जो दीपोत्सव के टाइम में लगा हुआ था ये जो बड़ा बड़ा सा क्रेन वगैरह, मुझे लगता है ये परमानेंट कर देंगे क्योंकि अभी एक हमेशा से ये लगा दिख रहा है। और ये प्रोजेक्टर वाला है जो, और साथ वगैरह जो है ना ये लेजर शो का, ये सब चीज़ें, ये सब मुझे लगता है परमानेंट हो गया है। और लग तो यही रहा है, पता नहीं अब हो सकता है जो मंदिर का उद्घाटन है उसके बाद में क्या पता हटा दें, या अब यहाँ हो सकता है उस इवेंट तक तो शायद रहेगा ही रहेगा। अगर हटा देते तो कोई बात ही नहीं है, वरना फिर चलता रहेगा। और अगर ऐसा लगा रहा परमानेंट तो अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और ठीक भी है। और अभी थोड़ा शूट वगैरह कर लेते हैं फिर चलते हैं घर पर। हमारे इस तरफ में पता नहीं क्या बहुत अच्छा सा बन रहा है, जो जितना भी जितना मतलब राम की पैड़ी का जो ये पीछे का थीम है ना दीपोत्सव के टाइम में जब दिखा था, वो सेम चीज़ बना रहे हैं इस तरफ में बना रहे हैं। देखो पीछे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो पूरा है ना पूरा मार्वल पर ही है, कटिंग करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहे हो, अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। उधर पे फोटोशूट वगैरह हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है आज पे, वैसे रहती नहीं है जल्दी दोपहर के टाइम में, शाम को ज़्यादा होती है लेकिन आज दोपहर में ही है ज़्यादा भीड़। Only two times I was first and second time I was with group, and after it I travel alone. तो अभी एक कजाकिस्तान के भाई साहब मिल गए थे, मतलब वो थोड़ा सा रशिया से टच में रहते, तो उनको रशियन वगैरह आती है और रशिया मतलब गूगल मैप पे भी उन्होंने दिखाया, तो जितनी भी उनके फ़ोन में जो भी लैंग्वेज थी बाय डिफ़ॉल्ट वो रशियन में थी। तो थोड़ा बातचीत किया मैंने उनसे, उनको पूछना था शालिग्राम शिला के बारे में। अब शालिग्राम शिला तो राम मंदिर के अंदर में ही है, तो मैंने वहीं डायरेक्शन बता दिया। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद में उनको शालिग्राम शिला का कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था, तो मुझसे बोल रहे थे हाँ भाई टाइप कर दो, तो टाइप वगैरह कर दिया मैंने उससे उनके गूगल मैप पे, और डायरेक्शन दिखा रहा था 2.4 किलोमीटर का। मैंने लगभग यही बताया भी था कि 2.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। तो डायरेक्शन वगैरह बता के उन्होंने कुछ सेल्फी वगैरह लिया, पिक्चर क्लिक करा, मैंने भी करा उनके साथ। और हम लोग अभी निकल रहे हैं घर की तरफ में।